क्योंकि यार अभी ना व्लॉग भी नीचे जा रहा है, मतलब जो व्यूज होते हैं वॉच टाइम होता है सब अभी नीचे जा रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा। तो हे गाइस, इट्स मी सचिन एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आजकल मैं सोच रहा हूँ कि यार लग रहा है मेरे को कि ऊपर वाले से मेरी कुछ दुश्मनी टाइप की हो गई है, क्योंकि आजकल मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ उसका उल्टा हो रहा है। लाइक जैसे मैं कुछ अच्छा भी कर रहा हूँ तो वो समझो एक तरह से बुरा ही हो रहा है और सब नेगेटिव हो रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ रेस्ट लिया जाए। और काफ़ी टाइम हो गया, लगभग एक हफ्ता हो गया रेस्ट लेते लेते, और कुछ भी ठीक नहीं हुआ अभी तक। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि यार चलो ठीक है, व्लॉग भी थोड़ा रोकते हैं अभी और नहीं डालना। जो कुछ लोग भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनका कुछ का DM आया कि यार व्लॉग नहीं आ रहा, क्या बात हो गई। तो मैंने उनसे यही कहा कि थोड़ा सा बिजी हूँ और इसलिए नहीं हो पा रहा, टाइम शेड्यूल बेकार हो चुका है। तो अभी सोचा मैंने कि आज क्यों ना यार कितना रेस्ट करूँगा मैं, तो एक व्लॉग शूट किया जाए। और बेसिकली मैं कहीं जाने वाने वाला नहीं हूँ, आज मैं पूरा घर पे ही रहने वाला हूँ। और अभी क्या नाम है, मैं जा रहा हूँ सबसे पहले कि एक मनुष्यत को कम करने, भी मेरे बाल बढ़ रहे हैं और सोच रहा हूँ कि यार इस बाल को क्यों ना कट कराया जाए और थोड़ा छोटा कराया जाए, और इसी से दिमाग मेरा ठंडा होगा क्योंकि गर्मी आजकल बहुत पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही दिल्ली में। तो यही सब सोचने के बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्यों ना अभी बाल बाल कटवाया जाए। और बज रहे हैं 3 दोपहर के, मतलब शाम भी होने वाली है अभी 2-3 घंटे बाद, 6 बज जाएंगे। और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, सुबह से सिर्फ चाय पी है मैंने अभी और खाना वाना भी नहीं खाया। तो सोच रहा हूँ पहले जाऊँ यार कटिंग वगैरह कराऊँ, और क्यों ना फिर डेली ट्रैक पे आया जाए और अपना ब्लॉग वगैरह शूट किया जाए जैसे मैं पहले कर रहा था। क्योंकि यार अभी ना ब्लॉग भी नीचे जा रहा है, मतलब जो व्यूज़ होते हैं वॉच टाइम होता है सब अभी नीचे जा रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। और फोटोग्राफी का काम भी समझो एक तरह से बहुत डल चल रहा है, लूज़ हो गया सब कुछ। तो आई होप कि आगे सब कुछ ठीक होगा। चलिए अभी चलते हैं यार, मैं हेयर कट लेके आता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि मेरा हेयर कट कैसा लिया है। सोच रहा हूँ इस बार थोड़ा सा अलग लूँ क्योंकि बाल मेरे ज़्यादा सिल्की हैं और ये स्ट्रेट हैं, ऐसे आ जाते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़े अच्छे से हेयर कट लूँगा और फिर दिखाता हूँ आपको, फिर करते हैं आगे का काम। तो अभी मैंने हेयर कट ले लिया है और अभी आया हूँ अपने छत पे, और ये अगस्त का महीना चल रहा है तो आसपास के बच्चे जो होते हैं वो मतलब काइट्स वगैरह उड़ाते हैं, पतंग वगैरह, तो सोच रहा हूँ कि मैं भी उड़ाऊँ। बट अभी क्या नाम है, टाइम है 15 अगस्त आने को, अभी 5 दिन है पूरे पूरे। मेरे बहुत शौक हुआ करता था मतलब पतंग उड़ाने का, बट अभी जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे शौक ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि आसपास का माहौल वैसा नहीं रहा, और पहले इतना अच्छा मौसम भी नहीं होता था मतलब जितना आजकल हो रहा है। क्योंकि इस टाइम बहुत अच्छी लाइट्स होती है उड़ाने के लिए, पतंग दिखती है हमें, बट अभी क्या करें उतना नहीं उड़ाते पतंग। और आजकल बिल्डिंग्स भी कुछ ज़्यादा ऊंची हो गई है, मतलब आसपास की जो भी है तो प्रॉब्लम्स होती है, तो इसलिए थोड़ा सोचते हैं कि छोड़ो यार 15 अगस्त को। इस बार तो 15 अगस्त और रक्षाबंधन एक ही दिन है, तो अभी देखते हैं कि 15 अगस्त मनाएंगे या रक्षाबंधन मनाएंगे। तो चलिए ठीक है, अभी चलते हैं बाहर थोड़ा और कुछ खा पी के आते हैं, और उसके बाद फिर ब्लॉग को एडिट करेंगे। देख तो हे गाइस, गुड इवनिंग। और कल रात में जब बाहर गया था तो लेट नाइट कर आया, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज ब्लॉग को एंड करते हैं, मतलब आज नहीं शूट करते कुछ, कल करेंगे। और आज भी सुबह, मतलब सुबह से शाम हो गई मेरे को ब्लॉग में सोचने में कि मतलब बाहर निकलूं और जाके कुछ शूट करूं, बट अभी क्या नाम है कि कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया है। और मैं अभी आया हुआ हूँ अपने इधर, यहाँ जो पुस्ता रोड बोलते हैं जिसे, हमारा मेन जो हमारे घर से 5 मिनट की डिस्टेंस पे है, हम यहाँ पर आके इसलिए बैठते हैं क्योंकि हमारे पास पार्क वगैरह कुछ है नहीं। और पीछे भी देख रहे होगे आप, ये कीकड़ वाले पेड़ है क्योंकि ये पुस्ते के इधर और उधर दोनों साइड है। और बस यहाँ पर मौसम अच्छा होता है तो आके बैठ जाओ, हवा वगैरह लग जाती है, कुछ नए लोग दिख जाते हैं और थोड़ा हमें भी सुकून मिलता है। तो इसी के साथ यार अभी मैं क्या यहाँ से निकल रहा हूँ घर, और चलते हैं अभी घर पर, देखते हैं आज संडे है क्या होने वाला है, और कल ईद भी है तो देखते हैं ईद का क्या प्लान है। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह कॉल करके पूछ रहे थे कि कल चलना है कहीं कि नहीं चलना, अभी देखते हैं, जाके बातचीत करता हूँ उनसे और कल का कल देखेंगे।
देखा जाए तो जो हमारे दोनों रोड हैं इसके उधर जाके बहुत सारी जगह है, ये जो आप पेड़ देख रहे हो यहाँ से वहाँ तक, ये पूरा मतलब जगह ही जगह है, बट यहाँ पर कुछ बन सकता है पर अभी नहीं बना। तो ऑलराइट गाइस, अभी मैं घर आ चुका हूँ, जस्ट खाना वाना खाया है मैंने और मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी डाउन होती जा रही है, फीवर थोड़ा थोड़ा है, कोल्ड हो रहा है और अभी मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेडिसिन ले लूँगा, क्योंकि कोल्ड होता है तो मेडिसिन लेने से वो और बढ़ जाता है, मतलब कुछ देर के लिए कम हो जाएगा बट बढ़ जाएगा, अभी मैं इसे बोला नहीं जा रहा सही से। तो इसी के साथ यार बस आज का व्लॉग यहीं, क्योंकि मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाया अपनी प्रेजेंट मतलब दिखाने के लिए कि जिंदा हूँ अभी तो इसलिए मैंने ये व्लॉग शूट कर लिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी मेरे को, थोड़ा सा दोबारा से ट्रैक पर आने पर, बाहर जाएंगे अच्छे व्लॉग बनाएंगे, तो बस आज का व्लॉग इसीलिए बनाया था मैंने। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो भी है, बुरे कमेंट अच्छे कमेंट जो करने कर देना, बस कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, बाय बाय।